विचारधारा की लड़ाई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी न्याय, सच्चाई, प्यार और भाईचारा, दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस अन्याय, झूठ और नफरत। निर्णय आपने लेना है, जीत सच्चाई की होगी, झूठ की होगी, न्याय की होगी, अन्याय की होगी, यह आपके ऊपर है। पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक वायदा करते जा रहे हैं। मुझे अभी बताया कि कुछ ही समय पहले उनकी यहां मीटिंग हुई, कल उनकी मीटिंग हुई। 2014 में वो आपसे 3-4 वायदे करते थे, हर मीटिंग में 3-4 वायदे करके ही जाते थे। पहला आपको याद होगा, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा, चौकीदार हूं, प्रधानमंत्री मत बनाओ, 56 इंच की छाती है, चौकीदार हूं, मैं डाल दूंगा 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। कहते थे कहते थे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। अब हुआ क्या, यहां पे बहुत सारे किसान हैं, आपने कभी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा है कभी? अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदार देखा है? विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इनके घर के सामने देखा है ना, लाइन लगी रहती है चौकीदारों की। नरेंद्र मोदी जी आपके चौकीदार नहीं है, देश के चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। और चौकीदारी उन्होंने अनिल अंबानी की दबा के की, 45,000 करोड़ रुपए बैंक का कर्जा लेकर अनिल अंबानी गया, जेल के बाहर है, वापस नहीं किया उसने कर्जा, मगर जेल के बाहर है। प्रधानमंत्री वायुसेना की बात करते हैं, बालाकोट की बात करते हैं, पुलवामा की बात करते हैं, मगर आपसे मीटिंग में नहीं कहते कि 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने वायुसेना से चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। वो आपको ये नहीं कहते कि 70 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी, कर्नाटक की कंपनी, बेंगलोर की कंपनी एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज बना रही है। वो ये नहीं कहते कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को जाना चाहिए। वो आपसे मीटिंग में नहीं बताते कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज हिंदुस्तान खरीदेगा। वो आपसे ये नहीं कहते कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि हिंदुस्तान में हवाई जहाज को बनाने की कोई जरूरत नहीं, बेंगलोर में हवाई जहाज को बनाने की कोई जरूरत नहीं, कर्नाटक में हवाई जहाज को बनाने की कोई जरूरत नहीं, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा, बस अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए आप दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई और बहनों, ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया के मीडिया से कहा है, इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए, नाम हॉलैंड है, गूगल करिए मोदी हॉलैंड, उस पर लिखा होगा, आपको मिलेगा, चौकीदार ये 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया है कर्जा। और जब किसान के कर्जे की बात आती है
चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मेरी पॉलिसी नहीं है। आपको याद होगा यहां पे सही दाम किसने दिलवाया आपको गन्ने का? कौन सी सरकार ने आपको गन्ने के लिए सही दाम दिलवाया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों को सही दाम दिलवाऊंगा, एमएसपी नहीं बढ़ाते, उल्टा आपसे आपका बोनस छीन लेते हैं। आप लोग बीमा का पैसा देते हो, अपनी जेब से देते हो, और हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने बांट रखे हैं 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स बीमा के लिए अनिल अंबानी को, 10-15 अदानी को, और जब आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान होता है, आपका नुकसान होता है, तो फिर आपको कहा जाता है नहीं भैया आपको ही आपका बीमा का पैसा नहीं मिलेगा। 10,000 करोड़ रुपए आपके बीमा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन 15-20 बिजनेसमैन को दिया है, यह आपसे नरेंद्र मोदी जी नहीं कहते। तो कुछ महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक को बुलाया, इकोनॉमिस्ट को बुलाया, उनसे मैंने कहा देखिए एक बात बताइए, मैं एक बात समझना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल अन्याय किया, 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, झूठ था, मैं सच्चाई समझना चाहता हूं। अगर हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों के बैंक अकाउंट पे पैसा डालना चाहती है तो साल में कितना पैसा डाल सकती है? एक ही शर्त है, अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं होनी चाहिए, नोटबंदी जैसा काम नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कितना पैसा डाला जा सकता है? जाइए इकोनॉमिस्ट के पास, जाइए अमेरिका के इकोनॉमिस्ट के पास, जाइए जिसके पास आपको जाना है जाइए, मगर 2-3 महीने में वापस आइए, मुझे बताइए, नंबर दीजिए मुझे। मुझे थियोरी नहीं चाहिए, किताब नहीं चाहिए, भाषण नहीं चाहिए, मुझे एक नंबर चाहिए, मुझे नंबर दे दीजिए। कुछ ही दिन पहले वापस आए, मुझे कागज पे 72,000 नंबर लिख के दे दिया, 72,000 गरीबी पर वार। मैं आपको समझाता हूं, जैसे ही 2019 का चुनाव खत्म होगा, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद उन सबके बैंक अकाउंट में हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए डालेगी, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, 72,000 की सच्चाई मैं आपको बोल रहा हूं, साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है, 25 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा होगा, 25 करोड़ लोगों को। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और आपके जेब में से उन्होंने पैसा निकाला, जैसे ही उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला आपने चीजें खरीदनी बंद कर दी। जब आपके जेब में पैसा था आप शर्ट पैंट जूते सेलफोन अलग अलग चीजें खरीदते थे, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने आपका पैसा निकाला आपने खरीदना बंद कर दिया, जैसे ही आपने खरीदना बंद किया वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया वैसे ही बेरोजगारी हिंदुस्तान में शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया, हम रीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, जो पैसा उन्होंने आपसे छीनकर अनिल अंबानी के जेब में डाला वही हम अनिल अंबानी से छीनकर अब आपके जेब में डालने जा रहे हैं। और आप मेरे भाषण सुनिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव हुए, कर्नाटक में चुनाव हुआ, हमने यहां वायदा किया देखिए
सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफ होगा। यही बात मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बोली। आपको मालूम है कि यहां पे सरकार ने 40,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया है। छोटा काम नहीं है भाइयों और बहनों, 40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में किसान का कर्जा माफ नहीं किया, हमने एक स्टेट में 40,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 11,000 करोड़ रुपया आपके बैंक अकाउंट में मिल गया है, बाकी मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी मैंने यही बात बोली। मैंने कहा देखिए, मैं बाकी सब नहीं जानता हूं, 10 दिन के अंदर चुनाव के बाद इन तीन स्टेट्स के किसानों का पूरा कर्जा कांग्रेस पार्टी माफ करके दे देगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जैसे यहां आके कहते हैं, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, आपने यही सवाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक के बारे में पूछा था, 2 दिन लगे, हमने 10 का वायदा किया था, 2 दिन लगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्जा माफ हो गया। और मैं आपको बताता हूं पैसा कहां से आएगा। ये जो अनिल अंबानी चोर है ना, जिसको आपने 30,000 करोड़ रुपए दिए, ये जो नीरव मोदी है ना चोर है, जो लंदन में बैठा है, जिसको आपने 35,000 करोड़ रुपए दिए, विजय माल्या है ना चोर है, जो 10,000 करोड़ रुपए इसको दिए, इनके जेब से पैसा आएगा मोदी जी, इनके जेब से पैसा निकालकर हम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, कर्नाटक के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे। आप अगर हिंदुस्तान के साथ अन्याय कर सकते हो, हम हिंदुस्तान के साथ न्याय कर सकते हैं। और इसीलिए आपको आपको समझाने के लिए, इसीलिए हमने योजना का नाम न्याय योजना रखा है। यह है कांग्रेस पार्टी का गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक। एक झटका मारेंगे, हिंदुस्तान से गरीबी खत्म हो जाएगी। हजारों करोड़ रुपए सीधा आपके बैंक अकाउंट। किसी देश ने आज तक ऐसा काम नहीं किया है, इतना ऐतिहासिक काम किसी सरकार ने नहीं किया है। हिंदुस्तान पहली सरकार होने जा रही है जो अपने देश को कहेगी कि अब हमारे लिए 21वीं सदी में गरीबी मंजूर नहीं है, अब हम गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। मोदी जी रोजगार की बात करते हैं, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दिलवाऊंगा। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, छोटे दुकानदारों को नष्ट किया, छोटे और मिडिल साइज बिजनेस वालों को खत्म किया, दुकानें बंद करवा दी, लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं, हर रोज 24 घंटे के अंदर 27,000 युवा हिंदुस्तान में रोजगार खो रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। मैं आपसे यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा, 15 लाख नहीं बोलूंगा, 3,60,000 बोलूंगा, और मैं वो करके दिखा दूंगा। कोई नहीं रोक पाएगा। तो 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भरी नहीं है। एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी इन 22 लाख नौकरियों को आपके लिए भर के दिखा देगी। दूसरी बात, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दे के दिखा देगी। कर्नाटक में बहुत सारे युवा एंटरप्रेनर्स हैं, नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं। बाकी देश में भी लाखों करोड़ों युवा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, मगर जब भी युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, उसे सरकारी ऑफिसेज में परमिशन लेनी पड़ती है। एक के बाद एक ऑफिस में जाओ, परमिशन लो,
10-15 बार परमिशन लो कि भैया मुझे बिजनेस शुरू करना है। हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है हम देश में रोजगार पैदा करवाना चाहते हैं, किसी भी युवा को बिजनेस चालू करने के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस से 3 साल के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं, खत्म। आप जाओ अपना बिजनेस चालू करो, दूसरे युवाओं को रोजगार दो, जब आपका बिजनेस मजबूत हो जाएगा 3 साल बाद आप जाके सरकार से परमिशन लीजिए। और मैं आपको यहां से बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इन चोरों को बैंक का पैसा दिया, हम अनिल अंबानी को, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों को पैसा नहीं देंगे। जिन युवाओं ने देश को रोजगार देने का काम किया उनको हम बैंक का लोन दिलवाएंगे। जितने लोगों को आप, जितने युवाओं को आप रोजगार दोगे उतना ज्यादा बैंक का पैसा आपके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी। किसानों की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आपको नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया, हम आपके दिल से डर मिटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप बिना डर रहें। तो अगले साल 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हमने 2 ऐतिहासिक निर्णय हिंदुस्तान के किसानों के लिए लिए हैं। सबसे पहला, आम तौर से एक नेशनल बजट बनता है, हर साल हिंदुस्तान की सरकार एक बजट बनाती है। हमने निर्णय ले लिया है कि इस साल एक बजट नहीं बनेगा, 2 बजट बनेंगे, एक नेशनल बजट होगा और दूसरा स्पेशल किसानों का बजट बनेगा। उसमें हिंदुस्तान के सब किसानों को साल की शुरुआत में ही हम बता देंगे कि इस साल हिंदुस्तान की सरकार आपकी इस प्रकार से मदद करेगी, इतना पैसा आपके लिए हिंदुस्तान की सरकार इस साल बजट में देगी, इतनी हम आपकी एमएसपी बढ़ाएंगे, इतना आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम आपके खेत में डालने की कोशिश करेंगे, यहां पे हम आपके लिए स्टोरेज के सेंटर्स बनाएंगे, इधर फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगेंगे। पूरा का पूरा साल की शुरुआत में ही हम हिंदुस्तान के हर किसान को बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जब कुछ बजट में लिखा जाता है उसे बदला नहीं जा सकता, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, एक बार उसमें लिख दिया तो फिर उस काम को होना ही होना है। तो जो हम आपको बजट में बताएंगे वो एक साल के अंदर करना ही पड़ेगा, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आपके लिए क्या करना चाहती है। दूसरी बात, और ये हमें हिंदुस्तान के किसानों ने बताई, जब हमारा मैनिफेस्टो बन रहा था हमने किसानों से बात की, युवाओं से बात की, और किसानों ने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, देखिए एक बात बताइए, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए बैंक से लिया, वापस नहीं दिया, वो जेल से बाहर है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, वो भी बैंक से बाहर। हिंदुस्तान के किसान ने हमसे पूछा कि एक बात समझाइए, जब अमीर आदमी अरबपति बैंक लोन लेता है तो उसे कभी जेल में नहीं डालते, मगर जब हिंदुस्तान का किसान 20,000 रुपए का कर्ज लेता है, बैंक से 20,000 रुपए लेता है, वापस नहीं देता, हिंदुस्तान की सरकार उसे जेल में डाल देती है, यह अन्याय क्यों? हिंदुस्तान के किसानों ने हमसे पूछा। तो इस बार हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, और ये न्याय योजना जितना ऐतिहासिक निर्णय है, 2019 में जो सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, वो कानून को बदलेगी। 2019 के बाद हिंदुस्तान के किसी भी किसान को, चाहे कर्नाटक का हो, महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हिंदुस्तान के किसी भी किसान को कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। अब आपने हमारा काम देखा, हमने आपसे वायदे किए थे, कर्जा माफी का वायदा किया, 72,000 करोड़ रुपए माफ किया, मनरेगा का वायदा किया, वो किया, आदिवासी बिल, जमीन अधिकरण बिल,
हमने आपके लिए किया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आपसे वायदे किए 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आप मुझे बता दीजिए उन्होंने कौन सा वायदा पूरा किया? एक वायदा मुझे बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी ने पूरा करा हो। देखिए सन्नाटा छा गया है, लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। बर्बाद किया, करोड़ों लोगों को बर्बाद किया, पूरे देश में नफरत फैलाई, जहां जाते हैं नफरत फैलाता है फैलाते हैं। बोलने का तरीका, अडवाणी जी देखिए हिंदुस्तान में गुरु से जरूरी, गुरु से बड़ी चीज नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी धर्म की बात करते हैं और फिर देखिए उन्होंने अडवाणी जी के साथ क्या किया। उनको शर्म आनी चाहिए, अडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी को खड़ा किया और नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट में अडवाणी जी को परे किया। भाई और बहनों उनको नमस्ते भी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं और फिर धर्म की बात करते हैं। अब कुछ बचा नहीं कहने को, रोजगार की बात नहीं कर सकते, काले धन की बात नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार की बात करते हैं जनता कहती है चौकीदार चोर। तो आपको निर्णय करना है, एक तरफ सच्चाई न्याय योजना भाईचारा प्यार, दूसरी तरफ नफरत नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स बेरोजगारी। आप सब कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन है, पूरा समर्थन कीजिए और हमारे से ज्यादा लोगों को लोकसभा में पहुंचाइए। यहां के आपके जो एमपी हैं उन्होंने आपके लिए काम किया है, उकेड़ी जी ने पासपोर्ट ऑफिस खुलवाया, इरिगेशन का काम करवाया, रेलवे ओवरब्रिज बनाए और 700 करोड़ रुपए का विकास का काम किया है। तो आप इनका पूरा समर्थन कीजिए, इनको जिताइए और कांग्रेस पार्टी और जेडीएस का जो गठबंधन है उसको जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೋಬೇಕೀಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಟೋ ತನಕ ಶಾಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೇಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಯೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು। ಕೂರ್ರಿ ಕೂರ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು।